आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमें संबोधित करने के लिए पधारे हुए भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, मंच पर उपस्थित एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, नीलम गोरे जी, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी जिन्होंने इसे आयोजित किया, वे राहुल कराड़ जी, विशेष रूप से जिनके तत्वावधान में ये सारा कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, ऐसे भारत के लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सभापति जी, मंचासीन सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी विधायक, सांसद और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से राहुल कराड़ जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 2 वर्ष से इस संकल्पना को अपने मन में संजोया और लगातार निरंतर वे उसके ऊपर काम करते रहे। अलग अलग राज्यों में जाकर सभी पार्टियों के नेताओं से मिलकर, सभी लेजिस्लेचर्स के अध्यक्षों से मिलकर, मुख्यमंत्रियों से, विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इस नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस एनएलसी को यहां पर आयोजित किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमृत काल में ये एक ऐसा आयोजन है जो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और भारत के लोकतंत्र के मूल्यों को और समृद्ध करेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 25 वर्षों को अमृत काल कहा है, और इस अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अगर हमें तैयार करना है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस सभागार में बैठे हुए जो सारे लोग हैं इनकी भूमिका बहुत अहम है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे मार्ग भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उपकरण एक है और वो उपकरण है डेमोक्रेसी, और हमारी मंजिल भी एक है और वो मंजिल है भारत को परमोच्च बिंदु पर पहुंचाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उपकरण भी एक है और अंतिम मंजिल भी एक है तो हम सब लोग मिलकर अपने अपने विचारों के साथ उस उपकरण का उपयोग करते हुए उस अंतिम मंजिल की ओर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब इस प्रकार का फोरम होता है तो हम लोग निश्चित रूप से कुछ चीजों के ऊपर विचार मंथन कर सकते हैं, विशेष रूप से भारत का लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को हम और समृद्ध कैसे बनाएं, इसके ऊपर हमें विचार मंथन करना होगा। आज बहुत अभिमान के साथ और स्वाभिमान के साथ हम कह सकते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ लोग, लेकिन भारत में आज हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ले सकते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से भारत में सरकारें चुनी जाती है। ये भारत की लोकतंत्र की विजय है, और इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति को हम देखें तो हजारों हजारों सालों पहले हम लोगों ने गणतंत्र की भी स्थापना की थी, लोकतंत्र की भी स्थापना की थी, और ये लोकतंत्र भारत के जन जन के खून में है।
ये हमारे भारत के मूल्यों में है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग एक साथ आ सकते हैं और देश को आगे ले जाने के लिए हमारे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। मैं कई बार कहता हूं, मैं भी अभी 25 सालों से विधानसभा में काम करता हूं, तो कई बार ये होता है कि हमारा जो एजेंडा होता है वो मीडिया डिसाइड करता है, और जो मीडिया डिसाइड करता है वही एजेंडा चलता है, क्योंकि हम लोग कई बार मीडिया में आने के लिए इतने लालयित होते हैं कि शायद मूल एजेंडा को बाजू रखकर जो एजेंडा वो सेट करते हैं उसके ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने हमको चुनकर दिया है कानून बनाने के लिए, हमको चुनकर दिया है भारत के विकास की यात्रा में एक भागीदार बनने के लिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय तक हम लोग किस प्रकार से कार्य कर पाए इसका भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मुझे यहां पर चिट्ठी मिली है कि थोड़ा अंग्रेजी में भी मैं बोलूं, तो मैं आई वुड लाइक टू से दैट आवर डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज वी हैव बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड्स इज सो यूनिक दैट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट एनीथिंग यू डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पर्सन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पेव्स अ वे फॉर यू टू अचीव योर गोल एंड आई थिंक द वे दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड वी आर लेजिस्लेचर बट सम ऑफ आवर पीपल हु रिप्रेजेंट लेजिस्लेचर आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव्स। जो लोग मंत्री बनते हैं वे कार्यपालिका है, वे एग्जीक्यूटिव्स है, और ये एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर को उत्तरदायी है, और ये इतनी सुंदर सिस्टम है, देर आर सच ब्यूटिफुल चेक्स एंड बैलेंसेस इन दिस सिस्टम गिवन टू अस बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इन अवर डेमोक्रेसी दैट देर इज ऑल्सो अ क्लियर कट डिफरेंस इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट एट द सेम टाइम वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और मैंने अक्सर यह देखा है कि हमारी विधानसभाओं में जब हम काम करते हैं तो जो आखिरी व्यक्ति होता है उस आखिरी व्यक्ति की आवाज भी हमारे विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, और ये कितनी सुंदर सिस्टम है कि सरकार अपना एक पैसा भी विधानमंडल के मंजूरी के सिवाय खर्च नहीं कर सकती, एक एक पैसे के लिए सरकार को विधानमंडल के विधायकों को जवाब देना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसी सिस्टम, एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार हुई है जिसमें अगर हमारा पार्टिसिपेशन रहा तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग एक बहुत ही स्वस्थ इस प्रकार का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में यह अपेक्षित है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस प्रकार का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को हम यथार्थ में ला सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के फोरम पर हम लोग ये विचार करें कि हमारी विधानसभाएं ज्यादा दिनों तक कैसे काम कर पाए, हमारी विधानसभाएं ज्यादा चर्चाएं कैसे कर पाए, हमारी विधानसभाओं में जो कानून आते हैं द बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन अवर लेजिस्लेचर वी हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन दोज बिल्स। इफ द बिल्स आर पास्ड विदाउट डिस्कशन द व्यूज ऑफ द पीपल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हु गो टू द लेजिस्लेचर वी कैरी द व्यूज ऑफ अवर पीपल इन दैट लेजिस्लेचर एंड इफ दोज व्यूज आर नॉट एक्सप्रेस्ड वाइल पासिंग अ बिल आई थिंक दैट बिल विल नॉट बी एब्सोल्यूट दैट विल नॉट बी सफिशियंट दैट विल नॉट सर्व इट्स पर्पस। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जितनी ज्यादा चर्चाएं करें, हम लोग जितना बिलों के ऊपर चर्चाएं करें, मैं कई बार देखता हूं कि विधानसभाओं में बड़े बड़े कानून आते हैं और बिना चर्चा के वो पास हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रथा को हम जितना कम कर पाए और हम जितना इसके ऊपर डिबेट कर पाए उसका ज्यादा फायदा होगा, वो कानून भी ऐसा बनेगा कि जिसमें लोगों के विचारों का एक्सप्रेशन का एक हम लोगों को मैनिफेस्टेशन दिखेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज के इस
हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यहां पर मिलकर ये विचार करें कि सब लोग मिलकर कुछ चीजें ऐसी तय हो जो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करे, जो एक लेजिस्लेटर के रूप में, एक विधायक के रूप में हमारे कार्य को भी समृद्ध करे, और हमारे संविधान ने जो जिम्मेदारी हमको दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए हमें और समृद्ध बनाए, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। मुझे जो समय दिया था उससे 40 सेकंड ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दो दिन यहां पर हम सब लोग हैं, कल भी मैं यहां रहूंगा, आप लोगों से सबसे मुलाकात भी करूंगा, लेकिन कोई भी कमी हो तो जरूर हमें बताइए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत दिल से मैं अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।